अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है मेरा थर्ड ब्लॉग कश्मीर का। और यहाँ पर आप देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि जब हम लोग सुबह सोकर उठे और हमने अपने विंडो से कर्टन्स आगे हटाए, तो आप देखिएगा कि क्या सीन हम लोगों को नज़र आए वहाँ पर। और ये ग्रीन विलेज रिज़ॉर्ट, अगर आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग नहीं देखा तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ कि ये हमने स्टे किया हुआ है ग्रीन विलेज रिज़ॉर्ट में। और इसके सामने आप देखें, ये जो पहाड़ हैं ये सारे, ये इंडिया का हिस्सा हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये रिवर नीलम जो है सामने बहता हुआ आपको नज़र आ रहा है। और ये पाइन जो ट्रीज़ हैं, आप देखें इनके जो ऊपर बर्फ़ गिरी हुई है, तो आप ये देखिएगा कि कितना खूबसूरत सीन लग रहा है ये, माशाल्लाह सुभानअल्लाह। मैं लिटरली नई वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि ये जो व्यू था ना, ये लाइव देखने में किस कदर हसीन था और बहुत अनरियल लग रहा था। मुझे तो लग रहा था कि अगर ये इतना खूबसूरत है तो जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। तो मैं तो बस समझ नहीं आ रही थी, मैं तो बस इस ब्यूटी को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी अपने कैमरा में, लेकिन जो लाइव देखने में ये ब्यूटी थी ना, वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। और यहाँ पर आप देखेंगे स्नोफॉल इस टाइम तक रुक गई हुई थी और इनके जनरेटर ऑन थे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है यहाँ पर, शाम के टाइम इस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो इन्होंने तो जनरेटर्स पर रखा हुआ था सारा टाइम। और यहाँ पर आप देखेंगे सनराइज़ का टाइम आया, तो थोड़ी सी धूप भी निकली और वो धूप इतनी मज़े की ठंडी ठंडी धूप थी। और कभी यहाँ पर क्लाउड्स आ जाते थे, बिल्कुल कवर हो जाता था और व्यू बिल्कुल सामने से जो है ना वो ख़त्म हो जाता था। और कभी ऐसे होता था कि ऊपर भी क्लाउड्स होते थे और एकदम से ना स्नो वाला मौसम हो जाता था। मतलब ये विद इन मिनट्स जो है ना, ये सीन चेंज हो रहे थे और दिल कर रहा था बस यहाँ पर खड़े होके ना इन सीन्स को एंजॉय करते रहें। तो ये मैंने हाइपरलैप्स वीडियोस कुछ बनाई थी, आप लोगों को आई होप बहुत अच्छी लगेंगी, क्योंकि मुझे ख़ुद अपनी ये वीडियोस इतनी अच्छी लगी। मैंने ट्राईपॉड पे अपना मोबाइल सेट कर दिया था, गिम्बल है मेरा, उस पर मैंने सेट कर दिया था और हाइपरलैप्स मोड को ऑन कर दिया था। और जब मैंने बाद में वीडियोस को देखा, क्योंकि उस टाइम ऑब्वियसली मुझे नहीं फील हो रहा था कि क्लाउड्स आ रहे हैं और नहीं आ रहे, अभी आप देखिएगा कि अभी आगे क्या सीन होगा। इसमें बहुत ही खूबसूरत सा सीन हुआ था यहाँ पर, अभी आप देखिएगा क्लाउड्स किस तरह से हर चीज़ को कवर कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर बिल्कुल जो है ना व्यू गायब हो गया। तो ये जो नीचे घर में मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था बच्चे थे, वो रहते थे यहाँ पर, इनकी रेजिडेंस थी, तो ये स्नोमैन बना रहा था स्नो में, इतना क्यूट लग रहा था ये बच्चा भी। तो फिर उन लोगों ने हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो रूम में ही सर्व किया था, हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था हमारे पैकेज के अंदर। और ये देखिए ब्रेकफास्ट और व्यू, मैं इस तरह की वीडियोज़ अक्सर फेसबुक वगैरह पे देखती रहती थी कि ब्रेकफास्ट विद अ व्यू, तो आई होप इससे बेहतर कोई व्यू नहीं होगा ब्रेकफास्ट के लिए। तो बस फिर मैंने इसकी भी थोड़ी सी वीडियोज़ बनाई, पिक्चर्स लीं, क्योंकि मैं कैप्चर करना चाह रही थी कि मैं मतलब किसी तरह सेव कर लूँ अपने पास ही, जो इतने प्यारे प्यारे से सीन्स हैं इनको मैं किसी तरह से सेव कर लूँ। और आपने देखा ही होगा कि किस कदर खूबसूरत है। और एक अजीब सी फीलिंग भी थी कि सामने जो है वो जम्मू कश्मीर और हम लोग जो है आज़ाद कश्मीर में हैं। इसके साथ ही कश्मीर के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला कश्मीर को जो भी मसले हैं कश्मीर के वो सारे हल हो जाएँ, इन लोगों को भी एक
मतलब आसानी से लिबर्टी से रहने का अल्लाह ताला इनको मौका दे। इतनी खूबसूरत जगह है तो यहाँ पे रहने वाले प्यारे प्यारे लोगों को भी सुकून हो। और कश्मीर के लोगों के बारे में भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कश्मीर के लोग इतने अच्छे थे, मतलब डिफरेंस फील होगा अगर आप कश्मीर जाएंगे ना तो आपको उनके बिहेवियर में इतना अच्छा फील होगा ना, मतलब काफ़ी अच्छे लोग थे वहाँ पर और बहुत वेलकमिंग थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग थे वहाँ पर। तो यहाँ पर अब हमने चेकआउट कर दिया अपने होटल से और हमारी कार नीचे खड़ी हुई थी क्योंकि रात को काफ़ी स्नो शुरू हो गई थी और फिर उन्होंने अपनी जो कार है ना वो सेफ जगह पे नीचे ही खड़ी कर दी थी। तो आप देख सकते हैं कि रोड भी स्लिपरी हो रही थी और हम इस बड़ी गाड़ी में बैठ के हम लोगों ने नीचे तक जाना था और इस कार के जो टायर थे उन्होंने सारे चेन से टाई किए हुए थे। तो यहाँ हम नीचे आ गए हैं, यहाँ पर आप देखें कि रिवर नीलम का व्यू नज़र आ रहा है और यहाँ पर हमारी कार थी और सामने इतना खूबसूरत व्यू था, आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा व्यू था और स्नो भी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई थी यहाँ पर। और पानी का कलर, वो कहते हैं कि जिस कलर का मतलब ऊपर ट्रीज़ वगैरह होते हैं ना, जैसे सर्दियों में ये थोड़े डार्क हो जाते हैं और गर्मियों में ये ग्रीन कलर जो है ये थोड़ा लाइट हो जाता है, तो जिस तरह से ट्रीज़ का कलर होता है, पहाड़ों का कलर होता है ना, तो पानी का कलर बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। और आजकल पानी का कलर बिल्कुल इस तरह था जैसे आप ये कह लें कि आइस, मतलब इससे आइसी सी फीलिंग आ रही थी कि बड़ा ठंडा सा लग रहा था और सी ग्रीन था कहीं से डार्क ब्लू था इस तरह था। लेकिन सर्दी की वजह से ऑब्वियसली स्नो वगैरह की वजह से पानी इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा स्केरी भी लग रहा था कुछ पार्ट से, ये जो है जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरे हुए थे और इस तरह। अच्छा जी, अब हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों ने जाना था आगे जो है ना, अपना ट्रैवल हमने स्टार्ट कर दिया अपनी कार पर। तो तब तक तो रोड क्लियर थी और स्नो वगैरह भी नहीं थी और हमने आगे जाना था। सबसे पहले हम लोगों ने जाना था कैरन, कैरन से हमने शारदा जाना था, शारदा से हमने जाना था आगे ताओबट। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट किया कि इस होप के साथ कि आगे स्नो नहीं होगी, क्लियर होगा रास्ता तो हम चल पड़े। लेकिन हम कैरन में ही थे तो काफ़ी ज़्यादा स्नो थी तो हम शारदा तक भी नहीं जा सके और शारदा के आगे ताओबट का जो जर्नी है वो जीप पर हम लोगों को करना था और वो 4 आवर्स का जर्नी था। तो हम लोग इसी प्लान से निकले थे, अर्ली मॉर्निंग निकले थे कि हमने ताओबट जाना है। और ताओबट जो है, सुना है उसके बारे में कि बहुत खूबसूरत एक विलेज है और वहाँ पर ही थोड़ी बॉर्डर वगैरह और ट्रेनिंग होती हैं इनके जो भी फोर्सेस हैं इनकी। और हम लोगों को बहुत शौक था वो देखने का, वो बहुत सुना खूबसूरत गांव है वहाँ पर, लेकिन हमारी लक थी कि हम आगे नहीं जा सके। और खैर, हम लोगों ने सोचा कि जहाँ तक हमारी कार सेफली चली जाएगी वहाँ तक तो हम जाते हैं। तो रास्ते में आप लोगों को नज़र आएगा कि इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ हैं, यहाँ पर ब्रिजेस थे, ये देखें आप, एक नीचे करके ब्रिज था। तो हमारे जो ट्रैवल गाइड थे खुर्रम भाई, उन्होंने हमें कहा कि आप लोगों ने जाना है तो आप जा सकते हैं ब्रिज पर, लेकिन मुझे वो काफ़ी दूर लग रहा था, मैंने कहा नहीं, हम लोगों ने नहीं जाना। तो खैर, हम फिर आगे चलते रहे और यहाँ पर आप देखें अभी रोड क्लियर है, तो आगे जाके जो है ना वो स्नो ज़्यादा होती गई थी और रोड जो है वो इतनी क्लियर नहीं रही थी। अच्छा जी, मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी नीलम, अपर नीलम के बारे में। अपर नीलम जो है ये कैरन से 2.5 किलोमीटर के फासले पर है और इसकी सतह समंदर से बुलंदी 1824 मीटर है। और यहाँ पर जो है इसको टूरिस्ट विलेज का नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोग टूरिस्ट आते हैं और स्टे करते हैं। और जो कैरन है वो 8 मकाम एक जगह है, वहाँ से 9 किलोमीटर के फासले पर है और यहाँ पर सतह समंदर से बुलंदी जो है 1524 मीटर है। और दरिया के किनारे दिलफरेब मनाजिर यहाँ की पहचान है। इस मकाम से दरिया की दूसरी तरफ आप मकबूजा कश्मीर को भी देख सकते हैं और यहाँ पर रेस्ट हाउस, बाज़ार और होटल्स वगैरह भी मौजूद हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़े से और एरियाज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगी जहाँ हमने जाना था और हम नहीं जा सके, वो थे शारदा और केल और ताओबट। तो यहाँ पर स्नोफॉल की वजह से हम जा नहीं सके थे। शारदा जो है वो स्विट्ज़रलैंड कहते हैं इसको, मतलब ये कहते हैं कि ये स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है और इसकी सतह समंदर से जो बुलंदी है वो 1981 मीटर है और ये दो दारियाँ एक जगह है, वहाँ से 30 किलोमीटर के फासले पर है। और इसके बाद आता है केल, केल जो है वो शारदा से 19 किलोमीटर के फासले पर है और इसकी सतह समंदर से बुलंदी जो है वो 2097 मीटर है। और यहाँ पर नाला, एक शोंटर नाला है, वो दरियाए नीलम में गिरता है।
तो ये दो जगहें थी, यहाँ पर हम नहीं जा सके थे क्योंकि यहाँ पर स्नो थी। और केल के बाद ही अड़ंग केल आता है, और यहाँ पर लिफ्ट से आपको जाना पड़ता है, यहाँ पर आप वॉक करके नहीं जा सकते, और हाइकिंग भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से बच्चों के साथ हम लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपीरियंस करने का कोई रिस्क नहीं लिया। तो यहाँ पर अभी आपको एक ग्लेशियर नज़र आया होगा, इतना बड़ा सा ग्लेशियर बन गया था बर्फ़ से, और हमें हमारे टूर गाइड बता रहे थे कि ये सर्दियों तक रहेगा, ये इस कदर ह्यूज ग्लेशियर था, तो वो कहे थे ये मेल्ट नहीं होगा और ये गर्मियों में भी आपको नज़र आएगा, जब आप गर्मियों में विज़िट करेंगे तो तब आपको नज़र आएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस कदर खूबसूरत व्यूज़ हैं और पानी किस कदर खूबसूरत लग रहा है। और ये सारा हमारा जो रास्ता है, हम जा रहे थे शारदा की तरफ, जो कि हम नहीं जा सके थे, तो जहाँ तक मैं कैप्चर कर सकती थी वहाँ तक मैंने किया। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो लैंडस्लाइडिंग से इतने ह्यूज जो हैं पत्थर, वो नीचे गिरे हुए हैं, और ये काफ़ी स्केरी भी लग रहे थे, इतने बड़े और ह्यूज थे ना कि इनको देख के डर भी लग रहा था। और लेकिन पानी आप देखें, जहाँ पर पत्थर गिरे हुए थे वहाँ पर पानी इस तरह से झाग बन के आगे से पास हो रहा था, जैसे लग रहा था जैसे सर्फ डाला हुआ है किसी ने यहाँ पर, और बहुत खूबसूरत लग रहा था ये भी। चलें जी, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और मैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आपको देती रहूँगी इंशाल्लाह। आप मुझे मैसेज करके ज़रूर पूछ सकते हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे नीचे कमेंट करें या इंस्टा पर कॉन्टैक्ट कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सकी तेरे आने की खबर ना सकी।